For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Everybody gets attracted towards the mysteries of stock markets. सब लोग स्टॉक मार्केट की मिस्ट्रीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. लोग कहते हैं यार स्टॉक मार्केट, अब स्टॉक मार्केट में एक शेयर तो होता नहीं, होते तो बहुत सारे हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है जी? स्टॉक एक्सचेंज इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड आर बॉट एंड सोल्ड. इट इज अ सेकेंडरी मार्केट, इसे सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं. जो ऑलरेडी पहली बार जब इशू किया जाता है शेयर्स को, तो जो इन्वेस्टर्स उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं उस मार्केट को, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जो है कहा जाता है प्राइमरी मार्केट, कि डायरेक्टली जो है शेयर्स इशू किए जा रहे हैं. हाँ, नो डाउट्स अबाउट इट. आज की डेट में आपको पता है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो है वो लिस्टेड होते हैं किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएससी एनएससी पे. तो पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग. और ये जो शेयर्स के प्राइसेस के फ्लक्चुएशन होते हैं, जो प्राइसेस के फ्लक्चुएशन होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स इवेंचुअली, धीरे धीरे. तो अभी सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है यार, फुल स्क्रीन लगाना. For the trading in equity, debt instruments and derivatives. Besides operating in capital market segment, that is the equity, convertible debentures, etc., they also operate in wholesale debt segment market, which provides trading facilities for G-Sec, treasury bills, PSU bonds, commercial papers, floating rate bonds and certificate of deposits. लाएंगे यार, मेरे को भी लाएंगे. तो लेट मी शो यू बेसिकली यहां क्या हो रहा है. ये स्टॉक मार्केट में इक्विटी भी होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी डील होते हैं, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये हम लोगों ने अलग से डिस्कस करना है, अलग से डील करना है. और होलसेल डेट सेगमेंट जो है वो भी होता है, उसमें एज द केस में भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा. खैर आगे बढ़ते हैं. सो लेट मी टेक यू फर्दर. तो स्टॉक एक्सचेंज में लोग, पीपल आर इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में मैं फिर से बोलूंगा, लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत से बोला है, डोंट यू कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट. अगर आपने सिंगल बास्केट में रखा तो गड़बड़ हो जाएगी. अब ये गड़बड़ कैसी होगी, उसके लिए आपको एक छोटा सा, लिटिल इत्सुसा, छोटा सा आपको एक स्टोरी दिखाते हैं, शेख चिल्ली की स्टोरी. डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट. इफ यू कीप तो कुछ ऐसा भी हो सकता है. लाइए यार, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट. फुल स्क्रीन लगाएंगे. तो शेख चिल्ली काम कर रहा है, करने के बाद कमाई हुई. भैया अंडे की टोकरी देना. वाह, अंडे घर लेके जाऊंगा, फिर इनसे चूजे निकलेंगे, वो बड़े हो जाएंगे, मेरा अपना खुद का पोल्ट्री फार्म होगा, फिर मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर मेरी शादी होगी और वो खाना बनाएगी, और अगर उसने रोटी जली हुई बनाई तो मैं खाने की थाली पर लात मार दूंगा. अरे ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने अंडे की टोकरी पर लात मार दी, मेरे सारे अंडे फूट गए और मेरे सपने भी. लेसन नंबर वन, डोंट कीप योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट. लेसन नंबर टू, कभी खाने की थाली को लात मत मारो. तो आपने देखा, लेसन्स क्या दिए गए हैं कि जी, नंबर एक, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, पहली बात. दूसरी बात आपको लेसन दिया गया है कि खाने की थाली को लात नहीं मारते. तो देखिए बात क्या है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, यस. डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट अगर हम लोग कहते हैं, इसका मतलब क्या है, कीप अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट. कहने का मतलब, अभी तक आपने जैसे देखा एक सिक्योरिटी चुने, नहीं भाई, लेट्स मेक अ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, दैट इज से एक से ज्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए. लिखिएगा इसी चीज को, लिखिए डोंट कीप ऑल योर एग्स. एक्चुअली यहां पर मनी की बात कर रहे हैं, इन वन
बास्केट, बोले तो वन बास्केट यहां पर ओनली अ सिंगल वन, सिक्योरिटी में मत इन्वेस्ट करना, एक सिक्योरिटी या एक कंपनी में मत करना, फुल स्टॉप. इट इज ऑलवेज बेटर टू डाइवर्सिफाई, ताकि अगर एक में नुकसान हो तो दूसरे में फायदा हो जाए. टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फैक्ट्री में आग लगी, वहां पे उसकी वजह से बल्लारपुर इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ, बिल्ट को नुकसान हुआ, उनके जो पेपर फैक्ट्री थी उनको नुकसान हुआ. लेकिन हुआ क्या, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे, अगर हमने बाकियों में भी कुछ में और में भी इन्वेस्ट कर रखा था तो उनकी डिमांड बढ़ गई अचानक ही, क्योंकि यहां से सप्लाई इनकी खत्म हो गई. तो इस हिसाब से अगर आपने यहां पे शेयर्स ओन कर रखे हो, दूसरे भी ओन कर रखे हो, तो उसमें क्या हुआ, यहां पे नुकसान दूसरे में फायदा, इन एनी केस कुछ तो कॉम्पनसेशन हो गया, एक में नुकसान दूसरे में फायदा. तो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सिंगल बास्केट. एक कंपनी ने दूसरी कंपनी पे केस किया, कंपनी ए ने कंपनी बी पे केस किया, कंपनी ए जीत गई, कंपनी बी हार गई, कंपनी ए को फायदा, कंपनी बी को नुकसान. अगर आपने कंपनी बी में इन्वेस्ट कर रखा था तो उसका नुकसान आपके ऊपर आएगा. यही अगर आपने डाइवर्सिफाई कर रखा हो तो उस केस में आपका नुकसान जो है वो हट सकता है, क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई कर रखा था, आपने ए के भी शेयर्स खरीद रखे थे, आपने बी के भी शेयर्स खरीद रखे थे. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डाइवर्सिफाई, डू नॉट इन्वेस्ट इन अ सिंगल सिक्योरिटी, मेक अ पोर्टफोलियो. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक अ पोर्टफोलियो, ठीक है जी. दैट इज टू से मेक अ बंडल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्ट इन अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, कई सारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, एक में मत करो. सो नाउ वी वर डिस्कसिंग, देखिए ऐसा है, बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों ने, मोस्ट लाइकली बुल्स एंड बियर्स के बारे में काफी कुछ सुना होगा. बुल मार्केट, बियर मार्केट, बुल मार्केट, बियर मार्केट, ये यू नीड टू अंडरस्टैंड द बुल्स एंड बियर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट. देखो ऐसा है, बुल जो है उठा उठा के मारता है और बियर जो है पटक पटक के मारता है. बेसिकली ये स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स को इन एनिमल्स की मूवमेंट से थोड़ा सा लिंक किया गया. पुरानी आप लोग मेरे साथ वेरी सून प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ पढ़ोगे थ्योरीज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. वेरी सून हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. उनमें से एक वन ऑफ द ओल्ड थ्योरी वॉज डाउ जोन्स थ्योरी. आप लोगों ने अगर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सुना हो या डाउ जोन्स इंडेक्स सुना हो, चार्ल्स डो ने ये डाउ जोन्स थ्योरी दी थी. वील डिस्कस अबाउट दैट नॉट राइट नाउ, बट उसमें उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी जो है स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को उन्होंने बताया था कि ओके जी ये बुल मार्केट होती है अगर मार्केट ऊपर जा रही होती है मेनली, और बियरिश होती है अगर मेजर मूवमेंट जो है डाउनवर्ड होती है. बियर पटक पटक के मारता है, बुल जो है उठा उठा के मारता है. खैर एनी हाउ, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड बुल्स एंड बियर्स ऑफ द मार्केट आपको समझना चाहिए. लेकिन एक बात बोलूं, मार्केट में ना ग्रेपवाइंस भी बहुत होती हैं. यू हैव टू बी बीवेयर ऑफ द ग्रेपवाइंस ऑफ द मार्केट. कहने का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेपवाइंस ऑफ द मार्केट? देखिए ऐसा है, तिल का ताल बात का बतंगड़. कोई चीज मैं ये नहीं कहूंगा कि जो ग्रेपवाइन होती है वो सच नहीं होती, सच भी होती है कई बार बातें, और कई बार उनमें सरासर झूठ होती है. तो यू हैव टू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज सच है. ग्रेपवाइन ऑफ द मार्केट, किसी ने कुछ हल्का सा कुछ नहीं हुआ और यहां पर जो है बवाल मचा देते हैं. तो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, देखिए ऐसा है, आप लोग अक्सर कई बार सुनते होंगे उस कंपनी में ये हो गया, ओए बेटे जी, अरे उस कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, अरे उस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो गया. एज सच मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसी न्यूज सच नहीं होती, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि झूठ होती है, क्योंकि अक्सर झूठ भी होती है, कभी कभी सच भी होती है, क्योंकि कई बार ये बातें फैलाई जाती है. कोई कॉम्पिटिटर आपके बारे में ये चीजें फैला सकता है, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, ऐसे कह सकता है. तो आपको, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ, यू हैव टू यू नो रिसर्च एंड चेक इट आउट योर सेल्फ. यू नो आई गिव यू एन एग्जाम्पल, ग्रेपवाइन का एग्जाम्पल देता हूं. एक्चुअली होता क्या है, इमेजिन करो वॉरेन बफेट जैसा कोई पर्सन. वॉरेन बफेट यू आर अवेयर ऑफ, हैथवे बर्कशायर कंपनी, यूएस की कंपनी. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ वॉरेन बफेट. अगर नहीं पता तो बड़ी गलत बात है.
जैसे हमारे देश में इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश झुनझुनवाला है, ही इज वन ऑफ द वेरी गुड इन्वेस्टर्स एंड ही फॉलोज फंडामेंटल एनालिसिस. वी विल डिस्कस फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज होती है. तो बेसिकली सभी लोग ये लोग कहते हैं ग्रेपवाइन से बच के रहो. अब इमेजिन करो जैसे फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट जैसा बंदा जो है अगर बात कर रहा हो और किस तरीके से बात कर रहा हो. लेट्स से वो फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ रहा है, वो न्यूज पढ़ रहा है, वो जो है बंदा जो है ही सीइंग व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और वो उस हिसाब से वो अपने एनालिसिस के बेसिस पे वो कहते हैं. लाना यार इसको जरा साथ में लेके आना. इमेजिन करो लेट्स से ये वॉरेन बफेट जैसे कोई पर्सन है जो कि क्या कह रहे हैं, आई नो दैट स्टॉक ऑफ पी लिमिटेड कैन एक्सेल. वो कह रहे हैं पी लिमिटेड का स्टॉक जो है एक्सेल कर सकता है. कहने का मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. तो इनकी कंपनी में कोई काम कर रहा है, कोई बंदा सुन लेता है अरे पी लिमिटेड, इन्हें पूरा तो सुनना ही नहीं देता, पी लिमिटेड सेल उसने बोला, उन्होंने बोला पी लिमिटेड एक्सेल, इन्होंने कहना शुरू कर दिया पी लिमिटेड सेल, अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया पी लिमिटेड सेल, उसने अपने फेसबुक स्टेटस बना दिया, सारे के सारे जो फेसबुक पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे सब ग्रुप्स में शेयर हो गया व्हाट्सएप के ग्रुप में, पी लिमिटेड सेल पी लिमिटेड सेल पी लिमिटेड सेल पी लिमिटेड सेल, न्यूज में आना शुरू हो गया पी लिमिटेड सेल, ब्रोकर के पास ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, न्यूज में आना शुरू हो गया पी लिमिटेड सेल और ब्रोकर के पास ऑर्डर के ऑर्डर आ रहे हैं सेल पी लिमिटेड सेल पी लिमिटेड सेल. एक और एनालिस्ट ने कहा पी लिमिटेड सेल वाई, पी लिमिटेड सेल वाई, तो किसी ने सुन लिया पी लिमिटेड ये तो बोल रहे बाय और अल्टीमेटली पी लिमिटेड बाय पी लिमिटेड बाय पी लिमिटेड बाय पी लिमिटेड बाय एंड फिर फाइनली अरे पी लिमिटेड बाय वाओ मजा आ गया एंड ही वॉज सेइंग आई नो दैट पी लिमिटेड स्टॉक कैन एक्सेल. देखिए ऐसा ग्रेपवाइंस बहुत होती है मार्केट में, आपको ग्रेपवाइंस से बच के रहना है. यू हैव टू बी यू नो सेफगार्डिंग योरसेल्फ ऑफ द ग्रेपवाइंस और प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है. व्हाट इज मेंट बाय अ पोर्टफोलियो, अगर आपसे कोई पूछे जी पोर्टफोलियो क्या चीज है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है मैं अभी आप लोगों को लिखवाने भी लगा हूं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क. सर जी फिर से बोलेंगे, श्योर मेरे दोस्त, दिखाते हुए बोलेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है क्या चीज. वंस अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ बंडल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. बंडल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग जो है चूज कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं कि किसको चूज करें, किसको चूज करूं, कितना उसमें इन्वेस्ट करूं. वंस अगेन इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विद एन ऑब्जेक्टिव, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव होता है, एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, हर इन्वेस्टर चाहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न हो, और दूसरा मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क. प्लीज इस मीनिंग को लिख लें, उसके बाद बाकी बातें उसके बाद. प्लीज राइट डाउन द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लिखें it is the process of selection of a bundle of investments, it is the process of selection of a bundle of investments with an objective of maximization of return and minimization of risk. Maximization of return and minimization of risk. ठीक है जी, लाओ यार ले आओ यार अब. Now, basically हम लोगों को ना अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारे कई तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. We need to have clear defined objectives of portfolio management. देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल आता है न्यू कोर्स में, प्रैक्टिकल आता है भर भर के आता है, एज वेल एज थियोरी भी आती है, आ चुकी है, आएगी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे. सो आप लोग हेडिंग डाल रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स. मैं मेन की थ्योरी लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटीज में नहीं, हल्का फुल्का जस्ट पॉइंट कुछ लिखवा रहा हूं. ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपको इशारा देता हूं मैं. ये देखिए ये क्या है, हम सिक्योर करना चाहते हैं, ये क्या है सेफ है, तो सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखिए प्लीज, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. बेसिकली अगर आप कभी भी
पोर्टफोलियो बनाएंगे, आप चाहेंगे यार मैंने अगर 10 लाख रुपए लगाए, ये तो नहीं ना कि वो 10 लाख रुपए गायब हो जाए, वो 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए बच जाए, वो 10 लाख रुपीज में से 8 लाख रुपीज गायब हो जाए, ऐसा तो नहीं ना। सो ऑब्वियसली प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, हेलो, सिर्फ प्रिंसिपल की सेफ्टी के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों को रेगुलर और स्टेबल रिटर्न्स भी चाहिए। वी नीड रेगुलर एंड स्टेबल रिटर्न्स, लिख लो प्लीज, रेगुलर एंड स्टेबल रिटर्न्स चाहिए। साथ में प्लीज वंस अगेन, एक तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, एक तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहना चाहिए कि भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट डाला है वो सेफ रहे। दूसरा नंबर, हमें रेगुलर और स्टेबल रिटर्न मिलनी चाहिए। और प्लीज एक चीज बोल दूं फिर से वंस अगेन, एक स्टॉक में मत इन्वेस्ट करो। डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, डू नॉट ईट ओनली योर सिंगल फ्रूट। एक ही फ्रूट खाए जा रहे हैं, किसी चीज का एक्सेस हो जाएगा, दूसरी चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्लीज डोंट डू दैट। सो What are we talking about? Diversify करो। So the next objective is diversification. So हमने क्या कहा, आपका principal safe रहना चाहिए, regular और stable return आनी चाहिए, और diversify करें, don't keep all your eggs in a single basket। फिर साथ में आसानी से sale हो सके, liquidity, marketability। पहले marketability बोलते हैं कि भाई easily marketable हो, जब निकालना चाहे, जब पैसे निकालना चाहे निकाल सके, बेच सके, लोग उसको जानते हो, पहचानते हो, बेचने में आसानी हो, बेचने में आसानी होगी तभी तो उसकी लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी तभी होगी जब उसकी मार्केटेबिलिटी अच्छी होगी। और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको मीनिंग के टाइम पे भी बताया कि हमें क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है, किस चीज का, रिटर्न का, और मिनिमाइजेशन किसका करना है, रिस्क का। सो वंस अगेन, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, रिटर्न मैक्सिमाइज करो और रिस्क जो है मिनिमाइज करो। ऑब्वियसली ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये तो मेन मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कवर है। साथ में कई लोग ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कई लोग जो है पोर्टफोलियो बनाते हैं किस लिए, टैक्स बचाने के लिए। काफी सारे लोग जो है ये अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं किस लिए, टैक्स को बचाने के लिए। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर ट्राइंग टू सेव टैक्स, टैक्स बेनिफिट्स। इधर से टैक्स जो जाना था वो हम लोगों ने बचा लिया, टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स को सेव करना चाहते हैं। पीपल मेक पोर्टफोलियो, पीपल मेक इन्वेस्टमेंट्स, पीपल इन्वेस्ट मनी टू सेव देयर टैक्स आल्सो। कुछ टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, है जी, उसके लिए भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी बेची तो उस केस में यार टैक्स बचाने के लिए कोई और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसा आपको पता ही है, या फिर एज द केस में भी कुछ बॉन्ड खरीदने पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है कुछ डिडक्शन अदरवाइज भी मिलती है, अगर आप कुछ हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें बोरोड कैपिटल की आप इंटरेस्ट की जो है डिडक्शन मिलती है, और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप कुछ प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो आपको डिडक्शन मिलती है, एनएससी में मिलती है, एंड सो ऑन एंड ऑन। नेक्स्ट, देन कम्स द नेक्स्ट फंडामेंटल, दैट इज इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान से सुनेगा, इन्फ्लेशन रेट। देखिए, वो चीज जो कभी 5-5 रुपए में आ रही थी, आप अपने पेरेंट्स से पूछें, प्रॉब्ली वो कहेंगे अरे बेटा हम तो ये जो बादाम है, ये बादाम जो है ना हम लोग खरीदते थे बेटा 5-5 रुपए के, आज की डेट में देखो क्या आप 500-500 रुपए के आ रहे हैं। हैं जी, जो चीज कुछ चंद सिक्कों में आती थी, है बेटा हम तो बर्फी खरीदते थे बेटा, आने की खरीदते थे, 2 आने की खरीदते थे, 4 आने की खरीदते थे, किलो किलो खरीदते थे, है जी, और आज देखो ये क्या 500-1000 रुपए की आ रही है, 2000 रुपए की आ रही है। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, इन्फ्लेशन। तो देखिए ऐसा है, अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपकी जो, टेक एन एग्जांपल, आपने अपने पास कैश रखा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेविंग्स है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, योर मनी विल नॉट मल्टीप्लाई, और इन्फ्लेशन की परचेजिंग पावर रहेगा। तो आप ये चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये है कि आप इन्फ्लेशन रेट को तो कम से कम कवर करें, एटलीस्ट उसको तो कवर करें, कम से कम इन्फ्लेशन के हिसाब से तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़नी चाहिए, कि आपकी रियल कायदे से तो रियल परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए, ठीक है जी। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी चीज आप लोगों से और डिस्कस करना चाहूंगा, और वो चीज क्या है, हम लोग अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी शेयर अगर खरीदते हैं, कोई भी असेट खरीदते हैं, तो उस पोजीशन को, टेक एन एग्जांपल, आपने
कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीदे, टीसीएस के शेयर खरीदे, या लेट्स से टाटा मोटर्स के खरीदे, बायोकॉन फार्मास्यूटिकल के खरीदे, या लेट्स टेक एन एग्जांपल भारतीय एयरटेल के खरीदे, और एज द केस पे भी कोई भी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे, या कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदे, या आपने कोई गोल्ड खरीदा, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई भी असेट खरीदा, यू बॉट एनीथिंग एनी असेट, कोई बॉन्ड्स खरीदे, तो हम कहते हैं उस पर्टिकुलर असेट में आपकी लॉन्ग पोजिशन है. यू शुड बी अवेयर ऑफ सर्टन टर्मिनोलॉजीज. सो वी आर डिस्कसिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट. अगर आपने कोई भी चीज बाय की है, इफ यू बाय अ थिंग, ध्यान से सुनना, इफ यू बाय एन असेट तो आप कहेंगे बाय एन असेट. बाय को कहते हैं लॉन्ग, तो हम कहेंगे आपकी लॉन्ग असेट पोजिशन है. इफ यू बाय एन असेट एंड कीप इट विद योरसेल्फ, हम लोग कहते हैं आपकी लॉन्ग पोजिशन है. आपने खरीदा, एज द केस में भी डिपेंड करता है, रख लिया नहीं रखा वो आपकी अपनी डिस्क्रिशन है. सो वॉट इज लॉन्ग असेट पोजिशन, हम लोग कहते हैं इफ अ पर्सन बायज एन असेट. एक प्रैक्टिकल बात है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. सोचो, इमेजिन करो, एक बंदा सोना खरीद रहा है, गोल्ड खरीद रहा है, लेट्स से 28 लाख रुपीज का किलो है. तो एक पर्सन अगर 28 लाख रुपीस पर किलो के हिसाब से सोना खरीद रहा है, गोल्ड खरीद रहा है, तो मैं आपसे एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा सवाल पूछना चाहूंगा. इफ अ पर्सन इज बाइंग गोल्ड, इफ अ पर्सन इज बाइंग गोल्ड, वो बंदा जो है गोल्ड खरीद रहा है और 28 लाख रुपीस का खरीद रहा है, आपको क्या लगता है उसकी बेट, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी होप क्या होगी कि गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ऑब्वियस ही बात है भाई, मैं खरीद रहा हूं इस उम्मीद में खरीद रहा हूं कि इसका प्राइस जो है अप जाएगा. इफ अ पर्सन बायज एन असेट, कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई बंदा शेयर खरीद रहा है, कोई बंदा गोल्ड खरीद रहा है, कोई बंदा बॉन्ड खरीद रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन बेट क्या होती है? यार इसकी वैल्यू ना अप जाएगी, मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू जो है अप जाएगी. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज लॉन्ग असेट पोजीशन? इफ अ पर्सन बायज एन असेट ही इज सेड टू हैव अ लॉन्ग असेट पोजीशन. अगर किसी बंदे ने कोई असेट को बाय किया, कहते हैं उसकी लॉन्ग असेट पोजीशन. इट इज ऑब्वियस दैट द पर्सन बाइंग द असेट इज होपिंग और बेटिंग व्हाट, दैट द अंडरलाइंग असेट का प्राइस विल गो अप. प्लीज इसको लिख लीजिए, लॉन्ग असेट पोजीशन. प्लीज राइट डाउन लॉन्ग असेट पोजीशन, लॉन्ग असेट पोजीशन. इफ अ पर्सन बाइज एन असेट, if a person buys an asset, comma, he is said to have, if a person buys an asset, comma, he is said to have a long asset position. Full stop, it is obvious that the person buying an asset, it is obvious that the person buying an asset is hoping, buying an asset is hoping the price of the underlying asset to go up. वो bet क्या कर रहा है कि underlying asset या जो भी asset है जिसको वो buy कर रहा है उसका price जो है वो up चला जाएगा. आप ये देखो, ये ही है. 400 rupees का share खरीदा है और भगवान ना करे उसका प्राइस नीचे चला जाए. 400 रुपीज का शेयर खरीदा है और उसका प्राइस अगर नीचे चला गया तो क्या होगा, नुकसान? So you see what are we talking about? अगर कोई बंदा buy कर रहा है asset तो उसकी position ऐसी दिखेगी. If a person has bought an asset 400 का, अगर price 410 हो गया तो उसको 10 का फायदा, 420 हो गया तो 20 का फायदा, 430 हो गया 30 का फायदा, 440 हो गया 40 का फायदा, 450 हो गया 50 का फायदा, और 390, 380, 370, 360, 350 हुआ तो जैसे जैसे डाउन गया वैसे वैसे नुकसान, जैसे जैसे अप गया उतना फायदा. So ये था आपका लॉन्ग asset. इसी तरीके से टेक एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन जो है कोई असेट खरीदा था वो बेचा तो लॉन्ग असेट को स्क्वेयर ऑफ किया.
इमेजिन करो वंस अगेन, कोई बंदा कोई एसेट खरीदता है, उसकी बेट ये है कि प्राइस ऊपर जाएगा। इसी के अगेंस्ट अगर कोई बंदा, किसी के पास कोई एसेट है नहीं और बेच दिया, ये है लॉन्ग एसेट का पे ऑफ उसका ग्राफ। और किसी के पास कोई एसेट है नहीं और बेच दिया, और है नहीं मेरे पास बट बेच दिया है, सर जी ऐसे कैसे हो सकता है जब है नहीं तो बेच दिया है? अरे यार हमारे देश में भी ना इंट्राडे शॉर्ट सेल अलाउड है, मतलब आप सुबह बेचो फिर थोड़ी देर बाद दोपहर में, मतलब मार्केट के हाफ आवर से पहले, लास्ट हाफ आवर से पहले खरीद लो, स्क्वेयर ऑफ कर लो। आपको अगर बेट लग रही है, लग रहा है, उम्मीद हो रही है कि भाई साहब आज एक्स शेयर डाउन जाएगा, बेच दो। आपके पास नहीं है बेच दो, कोई बात नहीं, बट आपको सेम डे में खरीदना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको कुछ ट्रांजैक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं MIS, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ऐसे ट्रांजैक्शन आप पहले बेच दें, मार्जिन के अगेंस्ट बेच दें और फिर वापस से खरीद लें। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आपका ब्रोकर खरीद लेगा, आप नहीं खरीदेंगे तो आपका ब्रोकर खरीद लेगा। और भगवान ना करें कि सेम डे में नहीं खरीदा गया तो पेनल्टी लगती है, फिर पेनल्टी लगती है, फिर वो जो है ऑक्शन में जाता है एंड सो ऑन। उसके स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसीजर है, वो सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं रखी गई हैं इस पेपर में, ठीक है जी, इस पेपर में नहीं रखी गई है। वो चीजें जो है कैपिटल मार्केट्स वाला जो पेपर है उसमें रखी गई है, इसमें नहीं रखी गई है। सो इसमें बेसिक्स है बिल्कुल, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? लॉन्ग असेट, किसी बंदे ने कोई असेट खरीदा इस उम्मीद में कि प्राइस ऊपर जाएगा, बल्ले बल्ले ऊपर गया फायदा। और शॉर्ट असेट, किसी बंदे के पास है नहीं असेट और बेच दिया है, सोल्ड एन असेट विच ही डज नॉट हैव। अब एक प्रैक्टिकली बात सोचो, कोई बंदा अगर बेच रहा है कोई असेट, भगवान करे टेक एन एग्जाम्पल, लेट से 1000 रुपीज का एक असेट बेचा और उसे उम्मीद है कि नीचे चला जाएगा, लेट से प्राइस 950 हो गया, ओ बल्ले बल्ले 50 का फायदा प्रॉफिट है ना जी। तो बात को जरा समझो, इफ अ पर्सन सेल्स एन असेट विच ही डज नॉट हैव है जी, देन ही सेट टू हैव अ शॉर्ट असेट पोजिशन। वो इन्वेस्टर जो बंदे के पास असेट नहीं है वो बेच क्यों रहा है, बावला है क्या? नहीं, उसको उम्मीद है जब अभी मैं थोड़ी देर बाद खरीदूंगा तो ये सस्ते में मिलेगा। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट असेट पोजीशन। शॉर्ट असेट पोजीशन क्या है? इफ अ पर्सन हैज सोल्ड एन असेट, एक असेट बेच दिया है विच ही डज नॉट हैव, हमारे पास है नहीं, ही सेट टू हैव अ शॉर्ट असेट पोजीशन, नहीं है असेट बेच दिया, उसे शॉर्ट असेट पोजीशन कहते हैं। इन्वेस्टर होल्डिंग द शॉर्ट असेट पोजीशन इज होपिंग या बेटिंग, भगवान करे नीचे चला जाए, अगर नीचे जाएगा तो उसको फायदा होगा। जैसे 600 का बेचा, प्राइस नीचे गया, फायदा। ओए भगवान न करे ऊपर चला गया, नुकसान।